रेत माफिया का क्षेत्र में बोलबाला है। खनिज विभाग कार्रवाई करने में लाचार है। सैकड़ों ट्राली रेत का व्यापार लगातार माफिया कर रहे हैं। हौसले बुलंद हैं उनके। अरुण जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम जाखुदा की नदी से पनडुब्बियों के द्वारा लगातार रेत का अवैध उत्खनन जारी है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस मामले में खनिज विभाग मौन है। रेत माफिया की लगातार सैकड़ों ट्रालियां क्षेत्र से गुजरती हैं, लेकिन खनिज विभाग के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। अरुण क्षेत्र ही नहीं, गुना शहर में भी रेत माफिया की चपेट में है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि रेत माफिया और खनिज विभाग से के आपसी तालमेल के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसी तरह अगर ये व्यापार चलता रहा तो राजस्व और पर्यावरण को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। देखना होगा कि खबर चलाने के बाद प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, या फिर साधारण कार्रवाई कर मामले को टाल दिया जाएगा।